Good evening everyone, my name is Riddhi Malhotra and I welcome you back to our YouTube channel Dream Setu Education. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रोज शाम को 6 बजे मैं आपको इसी चैनल पर मिलूंगी, आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स CTET, UPTET, SuperTET एंड सो ऑन. आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा मेरी वीडियो में तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल बी राइट देयर टू हेल्प यू. जैसे कि मैंने कल आपको क्लास में सेंटेंसेस के ऊपर बताया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से ग्रामर का स्ट्रक्चर चलता है, आज की क्लास में मैं आपको लेकर चलूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ. हमारी फर्स्ट क्लास आपको याद होगी जिसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे. सबसे पहला था जिसके अंदर हमारा नाम. आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स और रूल्स के बारे में क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस. और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इन वीडियोज की और इन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है. आपको ये सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा उसके अंदर मिल जाएंगी, सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आगे बढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है नाउन. नाउन को है हिंदी हम नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, राइट. क्या होता है संज्ञा? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी चीज का नाम, एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन एनिमल, उसको हम बोलते हैं नाउन यानी कि संज्ञा. तो अब हम शुरू करते हैं नाउन की डेफिनेशन के साथ. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में प्लेसेस बता दिए, पर्सन बता दिए, एनिमल्स बता दिए, थिंग भी बता दिए, बट व्हाट वी मिस्ड आउट ऑन वाज आइडियाज. हमारी कोई फीलिंग, हमारी कोई भावना, वो भी एक नाउन ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं खुश हूँ, माय हैप्पीनेस, वो एक नाउन है. माय सॉरो, वो भी एक नाउन है. माय सरप्राइज, इट इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है, इन अ सेंटेंस नाउन्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. हर एक सेंटेंस में नाउन्स का रोल, उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग होता है. इट कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एपोजिटिव और एडजेक्टिव. ऑल्सो नाउन्स कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव एंड वर्ब्स. ध्यान से समझेंगे हम इसको. नाउन्स क्या करते हैं? अलग अलग रोल प्ले करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो कि किसी काम को, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कर रहा होता है. तो आपका नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, या राधा इज प्लेइंग विद बैडमिंटन. इसके अलावा आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके ऊपर काम करा जा रहा है, जो भी वर्ब हो रही है, जो भी चीज या पर्सन उस वर्ब को रिसीव कर रहा है, उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. राधा इज प्लेइंग विद बैडमिंटन. बैडमिंटन एक चीज है, एक स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है. तो नाउन यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया. अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे. आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिखने होंगे जिसके आप इंडिविजुअली यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल दैट. आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि एक नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. पीपल के एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे नाम ले लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि रोहित, शैली, मैन, पर्सन, जॉनी, विमेन, गर्ल, द प्रेसिडेंट. अब आप सोच लो यार यहाँ पे कुछ कुछ नाम है, कुछ कुछ जगहें हैं और कुछ कुछ में रैंडमली बॉय लिख दिया, विमेन लिख दिया, ऐसा क्यों? वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर, जो हम अगली स्लाइड के अंदर उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. आगे है प्लेसेस. प्लेसेस के अंदर हमने पर्टिकुलरली में मेंशन कर दिया मुंबई, इंडिया, इटली, साउथ पोल, स्विमिंग पूल, क्लासरूम एटसेट्रा. एज आई सेड पर्टिकुलर पे हम धीरे धीरे जाएंगे. आगे आ जाते हैं आपके एनिमल्स, बर्ड्स, जिसके अंदर
गए, लैंड वाले एनिमल्स भी हो गए, ठीक है, जैसे कि टाइगर, डियर, लिजर्ड, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, बियर, डॉग, फिश और डॉल्फिन। आइडियाज के अंदर आपके आ जाएंगे एक ऐसी चीज जो एक नाउन है लेकिन आप उसको ना ही फील कर ना ही छू सकते हो और ना ही देख सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, जैसे कि इन्वेंशन। अब आप कहोगे इन्वेंशन करी हुई तो हमें दिख जाती है, बट वो चीज जो इन्वेंट हुई है वो आपको दिखी है, जो वो आइडिया था दैट आई वॉन्ट टू इन्वेंट दिस, वो आइडिया आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। Evolution, extinction, discussion, conclusion, argument या destruction, इन ideas को भी हम noun की तरीके से ही consider करते हैं। आगे बढ़ेंगे objects या things की ओर। अगर आप जहां पर भी बैठे हुए हो अभी, अपने दाएं देखो, बाएं देखो, आपको इतने सारे objects, इतनी सारी चीजें दिखेंगी। आप अभी पढ़ रहे हो मेरी क्लास से, एक नोटबुक पेन लेकर नोट्स बना रहे हो, वो नोटबुक भी एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, और वो पेन भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन है। आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी एक नाउन है। ओके, तो ये था नाउन का इंट्रोडक्शन। अगला हमारा टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नाउन के टाइप्स। सो सबसे पहला नाउन का टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ? कि जब भी हम किसी की कॉमनली बात कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम रिद्धि है ये मुझे पता है, लेकिन जब मुझे कोई अननोन पर्सन देखेगा तो उसको पता होगा कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है, किसी को मेरा नाम नहीं पता इन पर्टिकुलर, उनको पता है कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है। ऐसे ही सपोज हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम में क्या हुआ, हमें क्या पता कौन से स्कूल का क्लासरूम है, वो स्कूल किस सिटी में है, हमें तो ये पता है क्लासरूम है। तो जहां पर हम कॉमनली किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी चीज की यानी कि किसी भी नाउन की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है कॉमन नाउन। इसके अलावा आपका एक नाउन है जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, जो कॉमन नाउन के ही बिल्कुल ऑपोजिट माना जाता है। मैं जब तक लिख रही हूँ आप मुझे कॉमेंट्स में फटाफट बताओ कि मैं कौन से नाउन की बात कर रही हूँ। The other noun that we are talking about is proper noun. आप सब जानते होंगे कि common noun के opposite हम किसको रखते हैं, proper noun को रखते हैं। जहां पर हम common noun में बात करते हैं किसी particular किसी की भी, किसी particular person की हम नहीं बात करते इसके अंदर, proper noun के अंदर हम बात करते हैं किसी particular person की, ठीक है। मैं लड़की हूं लेकिन मेरा नाम रिद्धि मल्होत्रा है, तो जो भी मुझे देखेगा मुझे जानता है, उसको पता है कि मैं एक प्रॉपर नाम हूं, दैट मींस आई एम रिद्धि मल्होत्रा। ऐसे ही आप एक सिटी में रहते हो, वो आपका कॉमन नाम हो गया। कौन सी सिटी में रहते हो, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर या फिर आगरा के अंदर, और सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से हमें याद रखना है कि प्रॉपर नाम और कॉमन नाम आपस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। Alright, so हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जब हम किसी की पर्टिकुलरली बात करते हैं, किसी भी पर्सन की, सिटी की, थिंग की, और एनीथिंग दैट कुड कम इन योर माइंड व्हेन यू टेक द नेम ऑफ नाउन, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्शन, एक ही चीज की बहुत सारा एक यू नो उसका एक ग्रुप बना देना, ठीक है, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में झुंड बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर यहाँ देखो तीन पर्सन की फोटो बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? बिकॉज हियर हम एक की बात नहीं करेंगे, हम तीन जनों की बात करेंगे। आपको पता होगा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती है उसके अंदर हम आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी अपने आप में क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्मी में देयर आर मल्टीपल सोल्जर्स, राइट। अगर आप ग्रुप की बात करो तो ग्रुप भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही अगर आप बुके की बात करो, बंच की बात करो, बंच ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ ग्रेप्स, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आपको हम आगे पढ़ाएंगे जिसके अंदर आप पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो, ग्रुप की बात कर
कर रही हो जहां पर एक से ज्यादा चीज या पर्सन इन्वॉल्व है. नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, यहाँ देखो दिल बना हुआ है, दिल का मतलब क्या हुआ, लव. लव क्या है, एक फीलिंग है, एक एहसास है. टच नहीं कर सकते हो आप उसको. यू कैन टच योर लव वन बट यू कांट टच लव बिकॉज इट्स अ फीलिंग जो आप सिर्फ फील कर सकते हो. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी फीलिंग्स है, वो सारे आइडियाज है जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप ना ही छू सकते हो और ना ही अपनी आंखों से देख सकते हो. अगला है मटेरियल नाउन, जो हमने कभी ज्यादा कॉमनली नहीं सुना होगा पर हमें उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. मटेरियल नाउन का मतलब है कोई भी धातु तत्व जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आपके क्या आएंगे, मटेरियल में आ जाएंगे. प्लैटिनम, डायमंड, समझ गए आप लोग किस पर्सपेक्टिव से मटेरियल नाउन को समझेंगे. हमारा कोई भी तत्व होगा, धातु होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे मटेरियल नाउन के अंदर. आगे बढ़ेंगे. सबसे पहला कॉमन नाउन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, इसमें आपके कुछ और भी नाउन्स आएंगे जो पिछली हमने स्लाइड में नहीं देखे, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे. कॉमन नाउन, द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी प्लेस थिंग और पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड. यहाँ पर मुझे बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, हम सब सेम काइंड के हैं, सेम हमारा कॉम्पोजिशन है बॉडी का, काफी चीजें हमारे बीच में अलग अलग होंगी बट ओवरऑल अगर आप देखो वी बिलोंग टू अ ग्रुप दैट इज विमेन और गर्ल्स, तो वो आपका होगा कॉमन नाउन. जब एक क्लासिफिकेशन हो चुकी है, वर्गीकरण हो चुका है कि सारी लड़कियां ये सारी लड़कियां हैं, ठीक है, एक मेरी क्लास है उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, तो एक ग्रुप तो लड़कियों का है. लेकिन जब हम अगले नाउन पे आएंगे विच इज प्रॉपर नाउन, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, लड़कियों को उनके नाम से बुलाऊंगी. मैंने बोल दिया आई हैव अ ग्रुप ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, उसके आगे मैंने बोला आई हैव निकिता, आई हैव खुशी, आई हैव नीना, आई हैव अंजू, आई हैव साक्षी. क्यों बोला, क्योंकि मैंने उनके लिए यूज किया प्रॉपर नाउन. ऐसे ही जगहों की भी अगर हम बात करें, हमने बोल दिया हम स्कूल में पढ़ते हैं, बट अगर हमने बोला हम रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन. आगे है नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन. जैसे मैंने आपको बताया जब भी हम किसी ग्रुप के लिए कोई भी वर्ड यूज करते हैं, अब वो ग्रुप लोगों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, राइट, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, जिसके अंदर आपका है सबसे पहला कैटल, फैमिली, हर्ड, टीम, आर्मी एंड सो ऑन. अगला है कॉन्क्रीट नाउन, जो हमने पिछले वाले में नहीं पढ़ा था बट अब हम इसको ध्यान से सुनेंगे. कॉन्क्रीट नाउन आर द नेम्स यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. जिन्होंने सीडीपी पढ़ी हुई है उनको पता है कि हमने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सुना है. कॉन्क्रीट मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं या जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिस चीज को हम फील कर सकते हैं. तो वही कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आपके इंग्लिश ग्रामर में भी यूज होता है, जिसको हम नाउन्स के अंदर यूज करते हैं. किसी भी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस होना, शारीरिक रूप से जब वो वहां पर प्रस्तुत है, उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यार, एनीथिंग अराउंड यू, आई हैव अ टी-शर्ट, आई हैव अ माइक, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ फैन, अ सीलिंग, इट इज ऑल कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि मैं उसको टच कर सकती हूँ और मैं उसको देख सकती हूँ. अगला आ जाएगा कॉन्क्रीट का ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. बार बार आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. जैसे कि आपकी कोई भी फीलिंग हो गई, जैसे ट्रूथ, पैट्रियोटिज्म, सोरो, फ्रेंडशिप, लव एंड सो ऑन. अगला हमने लास्ट नाउन पढ़ा था, दैट इज मटीरियल नाउन. ये उन सब्सटेंसेस और मटेरियल्स के लिए यूज होते हैं जो मेटल्स हो सकते हैं या फिर अलॉय से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन एक्सेट्रा, पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. अगला आपका एक टॉपिक आता है नंबर नाउन्स. अब नंबर नाउन्स का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड हमने बचपन से सुने हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का एक से ज्यादा. तो सिंगुलर में हम कब उन चीजों की बात करेंगे जिनकी क्वांटिटी सिर्फ वन है, ओनली वन, और प्लूरल में किसकी बात करेंगे, जो एक से ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है. जैसे कि आपका पेन, काउ, बॉय, चेयर, वो यहाँ चेयर लिखा हुआ है, चेयर,
आप लोग इसको देख लेना, चेयर है ये, दिस इज नॉट चेयर्स, ओके। आगे बढ़ेंगे प्लूरल नाउन की तरफ। प्लूरल नाउन वो होते हैं जहां पर एक से ज्यादा पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज की बात करी जाए। फॉर एग्जाम्पल पेंस, काउस, बॉयज, चेयर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे चेयर्स इज, दिस इज द करेक्ट वन जहां पर हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। नेक्स्ट इज नाउन जेंडर्स। अब जेंडर का मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल, राइट। जब हम बात करते हैं मैस्कुलिन की, आप लोग इसको कैसे याद रखोगे, एम से होता है मेल, ठीक है, मेल मतलब आदमी, उसी से हम याद रखेंगे, एम से मैस्कुलिन यानी कि आदमी, एफ से होता है फीमेल यानी कि औरत, हम याद रख लेंगे एफ से फेमिनाइन, उसका ही मतलब है औरत, ठीक है। तो मैस्कुलिन वो है जो मेल को क्लासिफाई करते हैं, पर्सन हो, एनिमल हो, कोई थिंग हो, या और फेमिनाइन वो है जो फीमेल को क्लासिफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल, सॉरी मैन, लायन, मून एक्सेट्रा। और फेमिनाइन में आ जाएगा नेचर, टाइगर्स, वुमेन एक्सेट्रा। अब हमने नेचर को क्यों लिया फीमेल में, वो औरत तो नहीं है, बट जब हम प्रकृति की या नेचर की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है, ठीक है, या फिर हम उसको एक फीमेल की तरह डिनोट करते हैं, हमारी प्रकृति हमारे लिए ये कर रही है। तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन खाली लिविंग बींग्स नहीं होंगे, मैस्कुलिन और फेमिनाइन नॉन लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं, अजैविक तत्व भी हो सकते हैं, क्लियर है। लास्ट आपका आता है न्यूटर, जो ना ही फीमेल है और ना ही मेल है, ठीक है, न्यूट्रल है, बस आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को डिनोट कर रहे हो जिसके अंदर बिल्कुल लाइफ नहीं है। आप कहोगे लाइफ तो यार नेचर में भी नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। नेचर आपके एनिमल्स से बनती है, प्लांट्स से बनती है और लोगों से बनती है, तो उसके अंदर लाइफ है। बट अगर आप यहाँ पे बात करो तो पेन, रूम, बुक, इनको आप न्यूट्रल के अंदर काउंट करोगे, ठीक है, ओके। अब आपको ये चीज, आपको यहाँ एक टेबल दिख रहा होगा जिसके अंदर एक चीज दी हुई है जिसको हमने मैस्कुलिन, एक वर्ड को मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल तीनों में बताया हुआ है। जैसे आपका है एक्टर, एक्टर को हम बोलेंगे फेमिनाइन में एक्ट्रेस, न्यूट्रल में वो क्या रहेगा, एक्टर ही रहेगा। ऑथर, ऑथरेस, न्यूट्रल में वो रहेगा ऑथर। अब बॉय है, बॉय का फेमिनाइन वर्जन होता है गर्ल, और न्यूट्रल वर्जन कोई नहीं होता, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही आपका ब्राइड रूम यानी कि दूल्हा, उसके बाद ब्राइड, दुल्हन, नो न्यूट्रल फॉर्म। ब्रदर, ब्रदर का हो गया सिस्टर। बिजनेस मैन, बिजनेस वुमेन एंड बिजनेस पर्सन। आई हैव मिस्ड वन थिंग, ब्रदर के पास सिस्टर और उसके बाद सिबलिंग आता है। जब आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितनी बहने हैं पर्टिकुलरली या कितने भाई हैं, तो आपसे पूछते हैं भाई बहन कितने हैं या कौन कौन है, तो आप बताते हो यस आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, ठीक है। बट आपसे अगर कोई पर्टिकुलर पूछे हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तो आप बता दो कि आई हैव वन सिस्टर। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आई हैव वन ब्रदर, ऑलराइट। आगे आएगा बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन या बिजनेस पर्सन। आप जा रहे हो कहीं किसी के साथ बिजनेस करने, आपको नहीं पता ओनर कौन है, मैन है या वुमन है, तो आप क्या कहोगे उसको, बिजनेस पर्सन कहोगे। अगला है चेयरमैन, चेयर वुमन या चेयर, दिस इज अ न्यू थिंग, चेयर पर्सन भी बोलते हैं, चेयर भी मेंशन करते हैं इनके लिए। चेयर वुमन, जब एक वुमन चेयरमैन मतलब चेयर पर्सन है कहीं की, चेयर मैन हो गया जहां कहीं मैन है, चेयर पर्सन या चेयर हम कहां लिखेंगे, जहां एक तो हमें भेदभाव नहीं करना, ठीक है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि मैन है या वुमन है। आगे कांग्रेस मैन, कांग्रेस वुमन, और इसके आगे न्यूट्रल फॉर्म कोई नहीं है इसकी। डैड का आ जाएगा मम्मा, और अगर आपको नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो तो आप बोलोगे पेरेंट, स्कूल में बोलते हैं ब्रिंग योर पेरेंट्स या ब्रिंग योर पेरेंट, किसी को भी एक को भी ले आओ, पर्टिकुलरली भी बता रहे ना कि मम्मी को लेकर आओ या पापा को लेकर आओ, तो जब भी हम पेरेंट मेंशन करते हैं तो हम नहीं मेंशन कर रहे होते कि हम मम्मी की बात कर रहे हैं पापा की बात कर रहे हैं। वी कैन बी ईदर टॉकिंग अबाउट द मदर और द फादर और बोथ ऑफ देम, ओके। आगे है एम्परर, एम्परर का हो जाता है एम्प्रेस। गॉड का हो जाता है गॉडेस। हायर का हायरेस, और न्यूट्रल फॉर्म उसकी हायर भी रहती है। इसी तरीके से हीरो का हो जाएगा हीरोइन, होस्ट का हो जाएगा हॉस्टेस, एंड देन उसकी न्यूट्रल फॉर्म भी आपकी होस्ट की रहेगी।
हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ और फिर न्यूट्रल फॉर्म आ जाएगी स्पाउस। ठीक है, अब आप बात कर रहे हो किसी से, या चलो आप किसी को पर्टिकुलरली बात ही नहीं कर रहे, आपने एक फॉर्म में लिख दिया मेंशन द नेम ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, द स्पाउस कैन बी अ हस्बैंड, अ वाइफ, एनीवन, डिपेंड करता है ना कि वो फॉर्म कौन फिल कर रहा है। हस्बैंड फिल कर रहा है तो अपनी वाइफ को स्पाउस के नाम में लिखेगा, वाइफ फिल कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम स्पाउस में लिख देगी, राइट। मैन का, किंग का हो जाएगा क्वीन, मैन का वुमन, मास्टर का होगा मिस्ट्रेस, मर्डरर का होगा मर्डरेस, एंड न्यूट्रल फॉर्म अगेन आपकी आ जाएगी मर्डर। काफी वर्ड्स की न्यूट्रल फॉर्म उनके मैस्कुलिन फॉर्म के साथ सिमिलर होती है, कंफ्यूज मत होना। नेफ्यू का आ जाता है नीस, पोएट का होगा पोएटेस, न्यूट्रल फॉर्म इज पोएट, पुलिसमैन, पुलिसवुमन, पुलिस ऑफिसर, यू डोंट नो इफ इट इज अ वुमन और अ मैन, सो यू राइट पुलिस ऑफिसर। सन का हो जाएगा डॉटर एंड आ जाएगा चाइल्ड। ठीक है, when we don't know the gender of our child, when the child is in our womb, हम ये थोड़ी बोलते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी, हम बोलते हैं हमारा बच्चा, right? वो बच्चा तो कुछ भी हो सकता है, neutral है, child आपका male भी हो सकता है और female भी हो सकता है। अगला है आपका अंकल का हो जाएगा aunt, waiter का हो जाएगा waitress या server, आपको नहीं पता male है या female है, तो bring your server downstairs, ठीक है? अपने server को नीचे भेजो। जब सबर नीचे आ जाएगा तो आप उसको वेटर बोलो या वेटरेस, वो उसके जेंडर पे डिपेंड करेगा। अगला है आपका विजर्ड, उसका हो जाएगा विच, भूत, भूतनी, बुल का हो जाएगा काउ, एंड न्यूट्रल वर्जन को हम बोलते हैं कैटल। रूस्टर का हो जाएगा हेन, न्यूट्रल वर्जन इज चिकन। बक इज डो एंड द न्यूट्रल वर्जन इज, न्यूट्रल वर्जन इज डियर। डॉग का होगा पिच, एंड व्हेन यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द डॉग तो आप अल्टीमेटली उसको डॉगी बोलते हो, राइट? स्ट्रे डॉग्स को हम स्ट्रे डॉग ही बोलेंगे ना, हाउ डू वी नो द जेंडर ऑफ ऑल द डॉग्स। आगे आएगा ड्रेक का हो जाएगा डक, एंड न्यूट्रल वर्जन इज ऑल्सो डक। फॉक्स, विक्सन एंड फॉक्स, गैंडर, गूस एंड गूस, ये आप एक रेयर देख रहे हो जिसका फेमिनाइन वर्जन उसका न्यूट्रल वर्जन के साथ सिमिलर है, राइट। स्टैलियन, स्टैलियन का होगा मेयर एंड हॉर्स, लायन, लायनेस एंड लायन, बक, डो, रैबिट, रैम, यू, शीप, टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर। कुछ वर्ड्स हैं जो हमने कभी नहीं सुने थे, पहली बार सुन रहे हैं। आपको अगर इन वर्ड्स के बारे में और इनके मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल वर्जन के बारे में पता होगा तो हो सकता है आप पेपर में ऐसे आए हुए क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझकर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन। अब आ गया सबसे मेन पार्ट। ये मेन क्यों है? क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक टेस्ट भी है 5 questions का, जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। तो रूल्स ऑफ नाउन में पहला रूल है नाउन का, जो हमें क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन देयर मीनिंग बट आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स ऑलवेज सच एज पीपल, कैटल, पुलिस। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ नाउन्स जिनका मीनिंग सिंगुलर है लेकिन हम उनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे प्लूरल की तरह। अब हमारे को सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंट क्या दिखता है, एस लग गया, एस लग गया तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पीपल है या कैटल है, पीपल के साथ तो कभी एस नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे लगता है दिस इज द बिगेस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक जहां पीपल के साथ हम एस लगा देते हैं। अगर आपको बात करनी है एस लगा के तो आप पर्सन बोल दो, पीपल के साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते। लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, पीपल के साथ आर लगा दिया। सबको पता है आर किसके साथ लगता है, प्लूरल वर्ड्स के साथ लगता है। लेकिन हमने किसके साथ लगा दिया, यहां तो एस है ही नहीं। लेकिन पीपल वर्ड अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल वर्ड की तरह एक्ट करता है। इसी तरीके से आपकी पुलिस हो गई, ठीक है। अब पुलिस आपकी डिपेंड करते हैं ना, एक बंदा आ रहा है, दो बंदा आ रहा है, पूरा झुंड आ रहा है, यूज तो हम फिर भी पुलिस ही करेंगे, पुलिसेस तो नहीं यूज करेंगे ना। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना होता है और प्लूरल वर्ब ही उनके लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स या ट्राउजर्स। अगर कोई भी आप में से सीजर बोल रहे हैं आज तक, तो प्लीज
अपनी बात को बदल दो, इट इज नॉट सीजर, इट इज सीजर्स। दो तो होती है ना, चाहे एक पीस है लेकिन उसकी दो टांगे तो होंगी। इसी तरीके से हमारे ट्राउजर्स है, हमारे जीन्स है, कई लोग जीन बोलते हैं, जीन इज नॉट अ वर्ड, जीन्स इज अ वर्ड, राइट, क्योंकि उसके दो पैर है, ठीक है, वो प्लूरल में काउंट होगी। तो आपको याद रखना है सीजर्स वर्ड से लेके पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक ग्रामेटिकल रूल जो मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ वर्ड्स जिनको प्लूरल की तरह भी ट्रीट किया जाएगा, होंगे वो सिंगुलर बट उनको बोला भी प्लूरल की तरह जाएगा और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली लगेगी। आर लग रहा है लेकिन वहां पर एस भी लग रहा है। स्पेक्टेकल्स, चश्मा पहनते हैं, वन टू दो होते हैं ना, तो हमने क्या बोला उसको, प्लूरल की तरह स्पेक्टेकल्स बोला। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर थ्री की तरफ। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एसईएस अपने साथ लगाते हैं लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के आगे हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, लेकिन इस लगाया क्यों भाई, क्योंकि रूल है। हमें नाउन को पढ़ना इस तरीके से है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो होंगे सिंगुलर, लगेगा उनके आगे एस, दिखेगा आपको प्लूरल, लेकिन उसको यूज कैसे किया जाएगा, सिंगुलर की तरह। अगला है द न्यूज ऑफ हिज सुसाइड इज नॉट ट्रू। आप देखो अगर आप न्यूज के आगे से एस हटा दोगे तो न्यू हो जाएगा, नया हो जाएगा, अलग वर्ड बन जाएगा। तभी हम न्यूज को हमेशा प्लूरल की तरह बोलते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह, तभी हमने यहाँ पे इज लगाया है। तो हमारा थर्ड रूल हो गया ये। फोर्थ रूल की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नाउन जो है वो इंडिकेट करते हैं नंबर को, मेजरमेंट को, मनी को, लेंथ को या वेट को। फॉर एग्जाम्पल डजन एग्स, ठीक है, डजन एग्स आप देख लो। अब बात क्या कर रहे हैं, अनचेंज रहेंगे वो, चाहे आप फोर डजन एग्स ले लो, फाइव डजन ले लो या वन डजन ले लो, वो डजन नहीं होगा, वो डजन ही रहेगा, राइट। किलोमीटर की अगर आप बात करो, आप चाहे 1 किलोमीटर की बात करो या 6 किलोमीटर की बात करो, वो किलोमीटर ही रहेगा, एक के साथ एस नहीं हट जाएगा, उल्टा हो गया ना। इसमें क्या था, डजन में कि चाहे कितना बढ़ा दो एस नहीं लगाओगे, किलोमीटर में हो गया कितना घटा दो एस लगाओगे, ठीक है, समझ आया। रूल नंबर 5, आपको किसी भी रूल में दिक्कत है, 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में दिया हुआ है, यू कैन जस्ट मेंशन डाउन आपको किस रूल में प्रॉब्लम है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर रूल। रूल 5 आपसे कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो भाई इतनी बड़ी है, इतने सारे ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स हमसे मिलके भी बनी यार, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम भी मैनेज करते हैं इसको। तो ये तो आपका इज लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ यहाँ पर क्या लग गया, इज लग गया, यहाँ पर हमने इसको ट्रीट किया सिंगुलर की तरीके से। आगे आपका क्या है, जूरी, जूरी मतलब जजेस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस जिनको हम बोलते हैं। तो जूरी के साथ हमने वर लगा दिया, बचपन से क्या कर रहे हैं, वर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, बॉस लगेगा ना सिंगुलर के साथ, तो क्योंकि यहाँ हमने वर लगा दिया, क्योंकि हर वर्ड का अपने तरीके से बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। अब मैंने तो कैसे सीखा है हमेशा से इस चीज को, मैं जब कुछ बोल रही होती हूँ और इन चीजों को समझ रही होती हूँ, मैं खुद से सेंस करती हूँ कि क्या जो मैंने बोला है वो सेंस कर, मतलब करेक्ट लग रहा है क्या या इनकरेक्ट लग रहा है। अगर मैं द गवर्नमेंट आर बोलती जाऊंगी, डज इट इवन मेक सेंस, डज इट इवन लुक गुड टू हियर, नो। जूरी के साथ हम वर लगाते हैं, गवर्नमेंट के साथ इज लगाते हैं। यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल्स इसीलिए मेंशनड है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स कभी ना कभी एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है, तभी हमने पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स को यहाँ पर कंसीडर किया है। रूल नंबर 6 आपको क्या बताता है कि कुछ नाउन्स दैट गिव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड अदर मीनिंग व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल। कुछ नाउन को अगर आप सिंगुलर की तरह यूज करो तो उनका अलग मतलब है, प्लूरल की तरह करो तो ये अलग है। आपने नोटिस किया, पीछे जाओ, आपने न्यूज वर्ड का एग्जाम्पल सुना होगा, न्यूज में मैंने क्या बताया था, एस लगा दोगे तो खबर बन जाएगी, एस हटा दोगे तो नया बन जाएगा, ठीक है।
गुड होता है, गुड एसेट आया हुआ है, अच्छा वेरी गुड। गुड्स बोल दिया तो हम किसी चीज की, सामान की बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही आपका आएगा फोर्स की, अगर आप बात करो फोर्स को, अगर आप बात कर रहे हो बिना एस के तो आप स्ट्रेंथ बोल रहे हो, ठीक है, ताकत। फोर्सेस की बात करोगे तो आप आर्मी फोर्सेस की, नेवी फोर्सेस की, एयर फोर्सेस की बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अगला आएगा आपका मटीरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल ए एन और द। मटीरियल नाउन्स के आगे क्या होता है, कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है। आपने बोला आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड, मैंने ये तो नहीं बोला ना आई एम गोइंग टू बाय द गोल्ड या आई एम गोइंग टू बाय अ गोल्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू बाय अ सिल्वर नेकलेस या गोल्डन नेकलेस, वहां पे मैं अ लगा दूंगी। लेकिन जहां पर मैं क्या कर रही हूँ, खाली एक यू नो इधर गोल्ड की बात कर रही हूँ मैं पर्टिकुलरली। वैसे तो देखो जनरली हम लोग नेकलेसेस के साथ भी अ एंड द बहुत रेयरली यूज करते हैं, बिकॉज हमारा रूल बोलता है कि जहां पर भी ऐसा कोई वर्ड आएगा ना हमें नहीं यूज करना ए एंड द, ठीक है। आगे आप जैसे देखोगे कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी, अ हटा देंगे यहाँ पे क्योंकि हम आयरन की बात कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कुकिंग फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। रूल नंबर एट, To personify a neutral gender noun, we use masculine gender to personify the strength or power and feminine gender to personify beauty and grace. क्या मतलब हुआ, जब भी हम किसी न्यूट्रल जेंडर की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो हम मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करेंगे ताकत के लिए, पावर के लिए, फेमिनाइन जेंडर रिप्रेजेंट करेंगे सुंदरता और ग्रेस के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर काफी जेंडर स्टीरियोटिपिकल इन्होंने रूल बना दिया है ये कि ब्यूटी की बात हो रही है तो लेडीज को घुसा दो, ताकत की बात हो रही है तो आदमियों को घुसा दो। ये तो बहुत बड़ी एक चर्चा है, डिबेट है जो कभी खत्म नहीं होगी, बट हम इसको समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा इससे हमारे लिए समझना। दैट्स हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स, ताकत तो मैस्कुलिन, सुंदरता प्यारी ब्यूटीफुल आपकी हो जाएगी फेमिनिन। जैसे कि द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, समझदारी के साथ शाइन कर रहा था। वहीं पर इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, अर्थ सुंदर है, प्यारी है, शीतल है, कोमल है, तो हमने क्या यूज कर लिया, मदर यूज कर लिया अर्थ के लिए। ये था हमारा रूल नंबर एट। रूल नंबर 9 पर आते हैं, द वर्क ऑफ आर्ट, द टाइटल ऑफ बुक्स एटसेट्रा इवन इफ दे साउंड प्लूरल आर ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर। देखो आपको पहली बारी में याद नहीं होंगे तभी बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हमारा, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जहां से आप इजीली इनको बार 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 पढ़ के इनकी रिविजन कर सकते हो, एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो, खुद से बना सकते हो और समझ सकते हो। तो रूल नंबर 9 कहता है कि जब भी आप किसी बुक की बात कर रहे हो या किसी वर्क ऑफ आर्ट, किसी कला के काम की बात कर रहे हो, तो आप उसको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, चाहे वो प्लूरल में दिया हुआ ट्रीट कैसे करोगे, सिंगुलर की तरह करोगे। द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स इज एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत, इल्यूजन्स में ऐसा आ गया लेकिन हमने यूज कर लिया। द गेम ऑफ थ्रोन्स इज माई फेवरेट ड्रामा सीरीज, नॉट माई फेवरेट ड्रामा बट एनीवेज, थ्रोन्स क्या है, एस लग रहा है ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया उसके साथ फिर भी इस लगाया, क्यों, क्योंकि एक सीरीज है, वर्क ऑफ आर्ट है, बुक तो नहीं है, सीरीज का टाइटल है, किसी सीरियल का टाइटल है व्हाटसोएवर। रूल नंबर 10 हमें क्या कहेगा, किसी भी स्मॉल क्रीचर के लिए, इंसेक्ट के लिए, बहुत छोटे बच्चे के लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया, राइट। हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कई लोग तो तब भी बेबी बेबी बोलते रहते हैं, कई लोग बुड्ढा बुढ़िया पे आ जाते हैं, बट क्या बेबी बेबी पे अटके रहते हैं, आज की जनरेशन तो स्पेसिफिकली मेरा बेबी मेरा बच्चा, राइट। तो यहीं पर हम यही चीज जो है क्रीचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स, हमें नहीं पता बटरफ्लाई का जेंडर क्या है, बटरफ्लाई मेल है फीमेल है,
हमें पता है कि बटरफ्लाई है तो हम उसके लिए बटरफ्लाई वर्ड यूज करेंगे. द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग. बच्चा क्या है हमें पता है मेल और फीमेल है जो भी है बट हम उसके लिए इनिशियली छोटे होते हुए बेबी वर्ड को ज्यादातर यूज करते देखते हैं. टेंथ रूल का बी पार्ट कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन्स है उनको न्यूट्रल जेंडर की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर वो लिविंग बींग्स की तरह रेफर करते हैं. एग्जाम्पल से बताती हूँ. द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस. टीम क्या है लिविंग बींग्स की टीम है ग्रुप है लेकिन हमने उसको इट्स की इट क्यों बोला या विद इट. ये सब के बारे में आप प्रोनाउंस में डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे जो कल क्लास होगी लेकिन हम अभी समझते हैं कि टीम को हम बोलेंगे इट्स यानी कि हम उसको न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. द टीम गेव इट्स बेस्ट हम ये तो नहीं बोलेंगे ना द टीम गेव हिज बेस्ट या हर बेस्ट हमने बोला इट्स बेस्ट बिकॉज दैट इज अ रूल. द आर्मी इज एट इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री. यहाँ पर भी हमने इट्स यूज किया हिज नहीं बोल सकते हर नहीं बोल सकते वी विल यूज द वर्ड इट्स. कौन से कलेक्टिव नाउन में यहाँ पर लिविंग बींग्स होती है. आर्मी के अंदर लिविंग बींग है टीम के अंदर लिविंग बींग है. ठीक है. लिविंग बींग को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि नॉन लिविंग को तो वैसे भी आप इट करके ही रेफर करते हो ना लिविंग को हिज हर करके करते हो बट इन केसेस में लिविंग को भी आपने न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करना है. अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर. एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दूंगी. ठीक है. पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर और आपको उसमें से बताना है कि किसके अंदर एरर है. ऐसा भी हो सकता है कि किसी में एरर होगी ना. ठीक है. पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर पर्सुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स या फिर नो एरर. यू हैव 1 मिनट्स टाइम. आप लोग अपनी अपनी शीट के अंदर अपने अपने पेपर जो भी आपके पास उसके ऊपर अपना आंसर लिख सकते हैं. जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. अभी तक आप सबको अपना आंसर मिल गया होगा और अगर नहीं मिला अभी तक तो बकल अप योर स्पीड क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो पहले मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ क्या है और प्लीज मुझे साथ साथ बताना कि किसका आंसर मेरे आंसर से मिलता जुलता है. फर्स्ट वाले का आंसर है नंबर 1. नंबर 1 के अंदर एरर है. क्या एरर है वुमेन यहाँ पर तो आना चाहिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन. क्यों क्योंकि हम यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज वाई हम क्या लिखेंगे मेजॉरिटी के साथ प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी आंसर सही था दिस वॉज वेरी इजी दो. ओके आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. कम टाइम लेंगे पहले से जल्दी जल्दी करेंगे. The mother-in-laws gathered together to discuss family issues that need to be sorted out. या फिर no error. जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को.
ओके दैट्स इट, नो मोर टाइम, क्योंकि ये पहले वाले से थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द मदर इन लॉज की जगह क्या आना चाहिए, द मदर इन लॉ। यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, चाहे हम यहाँ पर ज्यादा की बात कर रहे हैं लेकिन इन लॉज तो एक वो टर्म हो गया ना, एक पद हो गया ना, जो आप किसी को दे रहे हो, तो हम यहाँ पर मदर इन लॉ ही बोलेंगे, चाहे हमें कितनों की भी बात करनी है। वी विल नॉट राइट मदर इन लॉज, वी विल राइट मदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू दार्जिलिंग द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल, या फिर नो एरर। बी वेरी क्विक, दिस इज इजी, वेरी इजी। ओके दैट्स इट, नो मोर टाइम फॉर दिस वन, दिस इज वेरी इजी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीनरीज, और वहां पर क्या दिया हुआ है, इज। सीनरीज क्या है, प्लूरल है, इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, आर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोर ब्यूटिफुल, इसका आंसर मतलब क्या हुआ आपका, थर्ड, थर्ड के अंदर है, सो वी विल मार्क थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर स्ट्रेस। मुझे लगता है उसका आंसर तो जल्दी निकाल लोगे, लेकिन वो आंसर क्यों ऐसा आएगा उसका रीजन आपको बताने का दिक्कत होगी। चलो क्विक क्विक प्लीज, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। बिफोर सेइंग एनीथिंग मैं आंसर मार्क कर देती हूँ क्या है, आंसर रहेगा आपका थर्ड, थर्ड के अंदर है, थर्ड आपका हीरा। यहाँ पर लाफ नहीं आएगा, यहाँ लाफ्टर आएगा, क्यों, आपका लाफ जो है ना वो एक वर्ब है, लेकिन हमें वर्ब नहीं लगानी यहाँ पर, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लाफ्टर, लाफ वर्ब होती है, उससे एक नाउन बना जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लाफ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लाफ्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास इज, He does not cut paper with blade but with a scissor. किसके अंदर है, इधर है, कम ऑन, सबको आता होगा इसका आंसर। ज्यादा टाइम इसके लिए भी देना नहीं बनता, इसी टॉपिक को बार बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस क्लास में। इसका आंसर रहेगा नंबर फोर्थ के अंदर एरर है, सीजर होता है क्या, नहीं सीजर्स होता है, ठीक है, वी नेवर राइट सीजर, वी राइट सीजर्स, क्योंकि सीजर ऐसे होती है ना आपकी, ऐसे ऐसे होता है, दो पैर है सीजर के, डोंट माइंड माय ड्राइंग प्लीज, आई नो ये कहीं से सीजर नहीं लग रही, बट ठीक है, उसके दो पैर हमें दिख रहे हैं, जिसका मतलब हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। सो वी विल नॉट राइट सीजर, वी विल राइट सीजर्स। आज के बाद घर में जब भी जीन्स पहनना है, ट्राउजर पहनना है, सीजर यूज करना, कोई आसपास भी गलत बोल रहा हो तो प्लीज उसको करेक्ट करना, इट इज नॉट सीजर, इट इज सीजर्स। ओके, सो आज की क्लास में आई होप आपको मेरे क्वेश्चन आंसर राउंड में थोड़ा सा मजा आया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि हर क्लास में आपको ऐसे मैं क्वेश्चंस दूं जिससे आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है और आप कितना पोटेंशियल है आपके अंदर जो आप कर सकते हो। नाउन का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नाउन। रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, रिपीटिंग अगेन, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के चैनल पे, ड्रीम सेतु एजुकेशन के।
सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, मेरी इंग्लिश ग्रामर की भी मिल जाएगी और इंग्लिश वोकैबुलरी की भी मिल जाएगी। कल की क्लास में आप सब अभी तक गेस कर चुके होंगे हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, प्रोनाउंस करेंगे, जिसमें आपको और मजा आएगा और क्वेश्चंस करेंगे हम उसके अंदर। तब तक के लिए अब आपको 6 बजे के बाद वेट करना है रात के 10 बजे का, जिसके अंदर हम ग्रामर की बात करने वाले हैं वोकैबुलरी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितना ही ग्रामर का इंपॉर्टेंस है उतना वोकैबुलरी का भी इंपॉर्टेंस होता है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ समझाऊंगी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी बटन दबाओ वो रेड कलर का, बेल आइकन दबा देना ताकि रिद्धि मैम की क्लास के लिए लेट ना हो। ओके, सो लेट्स सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास।